जितने फॉर्मूले होते हैं मैक्सिमम फॉर्मूले इसमें, ठीक है ना, सारे फॉर्मूले सिखा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहां से एक्सेल या एक्सेल जैसा कोई भी सॉफ्टवेयर आपको खोलना है, जैसे आपके में लिब्रा ऑफिस यूज होता है, मैं यहां से WPS ऑफिस ले लेता हूं और इसी पे सिखा देता हूं। ठीक है, सेम वही चीज है। ठीक है, तो यहां पे चलते हैं, क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद ये देखो ब्लैंक आ रहा है, यहां पे आए तो ब्लैंक जैसे ही करेंगे तो यहां पर ये ऐसी सिचुएशन आ जाएगी। अब यहां पर इसे कहते हैं कॉलम और इसे कहते हैं रो, फिर से देख लो किसे कॉलम और किसे रो कहते हैं। ये जो वर्टिकली है ऊपर से नीचे आ रही हो तो ये कॉलम है, और यहां से ये हॉरिजॉन्टली जो जा रही हो ये रो है। तो रो और कॉलम का फर्क पता चला। कोई भी स्प्रेडशीट, अब एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है और ये WPS ऑफिस का कैल्क है, ये भी एक स्प्रेडशीट ही है, तो ये भी किससे बना हुआ है, रो और कॉलम से। तो जो भी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है वो रो और कॉलम से बना होता है। ठीक है, अब यहां पर हम थोड़ा सा लिखते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने यहां लिख दिया रोल नंबर। अब ये एक रिजल्ट टाइप का एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, ऐसा समझिए। और यहां पे लिख देते हैं नेम ऑफ स्टूडेंट, नेम ऑफ स्टूडेंट, तो ये लिख दिया नेम ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, अब यहां पर आए और यहां पर अलग अलग सब्जेक्ट के नाम आएंगे, तो सब्जेक्ट वन कर दिया, सब्जेक्ट टू कर दिया, इस तरीके से चलेंगे। ठीक है, यहां से इसको पकड़ेंगे, यहां तक जाएंगे पूरा पांच सब्जेक्ट। ठीक है, फिर यहां टोटल हमको कैलकुलेट करना है, टोटल लिख दिया, फिर यहां पर टोटल के बाद एवरेज हम लेके आएंगे। और एक चीज ध्यान देना, परसेंटेज में लोग कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, हालांकि परसेंटेज और एवरेज दोनों सेम ही आता है, लेकिन यहां परसेंटेज अलग से निकालेंगे। ठीक है, यहां पे मैक्सिमम निकालेंगे, यहां पे मिनिमम निकालेंगे। ठीक है, और यहां पर क्या निकालेंगे, यहां पर हम निकालेंगे ग्रेड। ठीक है, तो ग्रेड भी निकालेंगे। ठीक है ना, ये सारी चीजें करेंगे, और साथ ही साथ हम यहां पर ये बच्चा कितने सब्जेक्ट में फेल है या पास है वो भी देखेंगे। ठीक है, तो यहां पे लिख देता हूं पास्ड इन सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये हो गया पास्ड इन सब्जेक्ट, और कितने भी समय फेल है वो भी निकालेंगे। तो फेल्ड इन सब्जेक्ट, फेल्ड इन सब्जेक्ट, कितने सब्जेक्ट में ये फेल है। ठीक है ना, तो ये भी निकालेंगे। तो ये सारी ही चीजें करेंगे हम। ठीक है, कैसे करेंगे चलिए आइए दिखा रहे। यहां से सबसे पहले क्या करता हूं, रोल नंबर यहां है ना, तो वन करता हूं और एंटर करता हूं। देखो एक्सेल में इनेबल फिल हैंडल होता है, इनेबल फिल हैंडल का मतलब अब ये वन लिखा ये टू लिखा, दोनों को एक साथ सेलेक्ट किया। ठीक है, और ये इस तरीके से ड्रैग कर देंगे तो ये लाइन से आता चला जाएगा, आ रहा है। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, यहां पर नाम लिखते हैं, जैसे मान लीजिए राम लिख दिया, क्या नाम है तुम्हारा, दिव्या है ना, तो दिव्या लिख दिया, और उसका क्या नाम है, आंचल, आंचल लिख देते हैं। ठीक है, और एक और आती है श्वेता, श्वेता है ना, श्वेता, तो श्वेता कर देते हैं। अब यहां पर क्या करते हैं, एक और नाम लिख देते हैं, वर्तिका लिख देते हैं। ठीक है, और एक लिख देते हैं सुमिता, सुमिता, सुमिता। ठीक है, और एक यहां पर लिख देते हैं रत्ना, एक और नाम। ठीक है, तो ये नाम लिख दिया। अब यहां पर हमको रैंडमली नंबर चाहिए, तो एक फॉर्मूला आता है रैंड बिटवीन का, रैंड बिटवीन क्या लगाएंगे, रैंड बिटवीन। देखो रैंड का क्या चक्कर है और रैंड बिटवीन का क्या है, देखो ये है रैंड, तो रैंड में क्या होगा, यहां पर रैंडमली एक नंबर आ जाएगा, कोई भी दशमलव वाला आएगा रैंड लगाने पे। ठीक है, और इसको ड्रैग करेंगे तो यहां पर ये इस तरीके से आता चला जाएगा। देखो ये आ रहा है ना, हर जगह अलग अलग नंबर आ रहे हैं, आ रहे हैं कि नहीं। ठीक है, लेकिन हमको क्या करना है, ये दशमलव वाले नंबर तो चाहिए नहीं, ऐसा तो है नहीं कोई साढ़े पांच पाएगा, साढ़े चार पाएगा, तीन दशमलव दो पाएगा, ऐसा तो नंबर कोई पाएगा नहीं, पाएगा तो होल नंबर ही पाएगा। तो यहां पर रैंड बिटवीन लगाएंगे हम, क्या लगाएंगे, रैंड बिटवीन, ये रैंड बिटवीन दिया है, ये लगा दिया। एक बच्चा तीन पाएगा कम से कम, और सबसे ज्यादा से ज्यादा पाएगा तो कितना पाएगा, 100 में 90, यहां पे मैंने दे दिया, ये बॉटम है ये टॉप है, दिख रहा है, तो एंटर किया तो अब देखो एक नंबर आ गया है। अब हम इसी को क्या करते हैं, पूरे पे चला देते हैं। ठीक है, अब क्योंकि हमको आपको सिखाने के लिए इसको यूज करना है, ठीक है, नहीं तो आपको एक एक करके फीड करना पड़ता, अगर रिजल्ट बनाना होता तो आपको एक एक करके फीड करना पड़ता ये नंबर। ठीक है ना, अब ये चूंकि समस्या ये रहती है कि ये अपने आप चेंज हो जाता है, जैसे ना देखो यहाँ पे क्या है, क्या दिख रहा है यहाँ पे 31, अभी मैं बाहर क्लिक करता हूं तो ये चेंज हो जाएगा। देखो अभी चेंज कैसे होता है, जैसे एंटर, अब देखो 34 हो गया, 74 हो गया, देखो चेंज हुआ ना, तो ये चेंज हो जाएगा। तो चेंज ना हो इसके लिए क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है, ऐसे राइट क्लिक करना है और यहां से कॉपी करना है, कॉपी करके यहां से क्या करना है, पेस्ट स्पेशल पे जाना है और इसे वैल्यू बना, ये वैल्यू बनाइएगा, वैल्यू बन गया, ये हो गया। अब यहां से चलेंगे तो इक्वल्स टू सम का फॉर्मूला लगाएंगे, जोड़ने के लिए क्या लगाते हैं, सम का फॉर्मूला। यहां से चलेंगे लाइन से और ये, तो देखो कहां से C2 से लेके कहां तक चले गए हम, G2 तक गए ना, ये पूरी रेंज को जोड़ देगा। ठीक है, इतनी रेंज को ये क्या करेगा, जोड़ देगा, यानी 72 में 24 जोड़ेगा, 24 में 30 जोड़ेगा, 30 में फिर लाइन से सब जोड़ते जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया, तो यहां 250 आ गया। बार बार जोड़ने की जरूरत नहीं, यहां पर आपको एक चौकोर सा बटन दिख रहा है, ये देखिए यहां पर ये तो यहां पे ले जाते ही प्लस बन जाएगा। अब इस पर डबल क्लिक कीजिएगा, सबका आ जाएगा। ठीक है, अब एवरेज निकाल लेते हैं, तो एवरेज कैसे निकलेगा, तो ए भी यही ना है एवरेज, तो देखिए कोई भी फॉर्मूला कैसे शुरू होगा, इक्वल्स टू से, और यहां पे लगाइए एवरेज, एवरेज डायरेक्ट लिखने पे ही आ जाता है। ठीक है, दो चीजें होती है, एक फॉर्मूला होता है और एक फंक्शन होता है। ठीक है ना,
तो जैसे मान लीजिए हमने जोड़ा, तो कौन से फॉर्मूले की मदद से जोड़ा? सम। तो सम क्या है? एक फंक्शन है, ठीक है। और फॉर्मूला किसे कहेंगे? जैसे मान लीजिए यही चीज हमको ऐसे करनी, जैसे मान लीजिए तो हमने जोड़ दिया, ऐसे हो गया, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इसको मैं हटा रहा हूं फिर से, फॉर्मूले फंक्शन के बीच में डिफरेंस समझिए। जैसे मान लीजिए मैं ऐसे करता, इक्वल्स टू लगाता, फिर 74 को सेलेक्ट करता, फिर यहाँ प्लस लगाता, तो प्लस तो मैनुअली मैं लगा रहा हूं, कोई नया तो ऐसे तो फॉर्मूला है नहीं कि सम लिख दिया तो सम लिखने से पूरा जोड़ देता है ये, लेकिन यहां पर एक एक करके जब प्लस करेंगे तो ये आपका कहलाएगा फॉर्मूला, ठीक है ना। और अगर हम एक एक करके प्लस ना करके किसी बने बनाए फॉर्मूले को यूज करते हैं, बने बनाए जो है एक हमने फॉर्मूला बना दिया, एक हमने फंक्शन बना दिया, तो उसको अगर यूज करते हैं तो वो फंक्शन कहलाएगा। समझ में आई बात? ठीक है, तो ये अभी क्या है? फॉर्मूला है, ठीक है ना। इस तरीके से यूज करेंगे तो फॉर्मूला कहलाएगा, लेकिन यही चीज अगर इक्वल्स टू सम, अब सम एक पर्टिकुलर जोड़ने के लिए यूज होता है, तो ये कहलाएगा फंक्शन, ठीक है ना। समझ आया? अब ये हो गया, एंटर करिए, ये हो गया। अब यहां से क्या करिए? डबल क्लिक करिए, तो ये आ जाएगा। फिर यहाँ एवरेज के लिए भी वही चीज, ए बी आर ए जी एवरेज, और फिर वही चीज यहां से जाइएगा तो ये देखिए। ये एक चीज ध्यान दीजिएगा, एवरेज जो एवरेज होता है वो और परसेंटेज होता है वो सेम आता है, निकालने का तरीका अलग है। देखिए मैं दिखा देता हूं कैसे। इक्वल्स टू लगाया, कितने सब्जेक्ट है बेटा? काउंट करिए, 1 2 3 4 5 कितने सब्जेक्ट हैं? और एक सब्जेक्ट 100 मार्क्स का, तो 5 सब्जेक्ट 500 नंबर के। तो यहां पे क्या करिए, इसको सेलेक्ट कीजिए, ये टोटल को पहले वाले को सेलेक्ट कर लिया, आप नीचे जाएंगे तो सबका अपने आप आता जाएगा। कैसे? देखिए मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे? 100 से, और इसको डिवाइड कर दीजिए किससे? 500 से। सेम यही आएगा 50, देखिए आ रहा है। तो परसेंटेज भी वही आया लेकिन तरीका अलग है, दिख रहा है। अब यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम का फॉर्मूला लगा लीजिए, तो एम ए एक्स मैक्स लगा लिया, और यहां से चलेंगे, ये हो गया, ये इस तरीके से ये हुआ, एंटर किया तो ये आ गया 74। अच्छा इसमें बताइए, इस रेंज में सबसे ज्यादा नंबर कौन सा है? देखिए देख के बताइए, सबसे ज्यादा नंबर कौन सा है? 74, तो वही आया हुआ है, इसके लिए मैक्स का फॉर्मूला हमने यूज किया, ठीक है। अब यहां पर देखिए, यहां पे मिनिमम, मिनिमम माने होता है कम से कम, सबसे कम। तो देखिए बेटा सबसे कम इसमें कौन सा नंबर है? तो देखिए 24 आया है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अब ग्रेड में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, तो कंफ्यूजन को दूर करने का भी तरीका है, बहुत ध्यान से समझ लीजिए, बस दूर हो जाएगा कंफ्यूजन, ठीक है ना। तो देखिए यहां से चलते हैं, यहीं से नाम को कैलकुलेट करना है। देखिए जो भी हम ग्रेड कैलकुलेट करेंगे वो एवरेज के बेस पे, किसके बेस पे? मैं इसे एक डिफरेंट कलर से हाईलाइट भी कर देता हूँ एवरेज को, क्योंकि इसी के बेस पे हम सारा करने वाले हैं कैलकुलेट, ठीक है। मैं इसे एक अलग कलर प्रोवाइड कर देता हूँ देखने के लिए, तब तक के लिए, ठीक है। ये कलर दिख रहा है, इसी के बेस पे कैलकुलेट करना, हर बार यही सेलेक्ट करना है। और यहाँ पे क्या लगाना है? आई इफ लगाना है, इफ लगा दिया। अब यहाँ नीचे आ रहा है लॉजिकल टेस्ट, तो हम लॉजिकल टेस्ट इसी पे करेंगे, लगा लिया। ये कहाँ है बेटा? आई टू में, कहाँ पे? ये आई जो है क्या है? कॉलम है, और टू जो है क्या है? रो है। देखिए ना, ये आई कॉलम है और टू क्या है? रो है। दोनों को मिला के क्या बन गया? आई टू, ठीक है। ये देखिए, ये बड़े का चिन्ह है, बड़े का। तो आई टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू कर दिया, कितना करेंगे? 85। माने कोई बच्चा अगर 85 या 85 से ज्यादा पाता है तो ऐसे में क्या होगा, उसे कौन सा ग्रेड दिया जाएगा? तो यहां कर देते हैं ए प्लस प्लस, उसे कौन सा ग्रेड मिलेगा? ए प्लस प्लस, ठीक है। फिर यहां कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगाने के बाद फिर इफ लगा देंगे, क्योंकि अभी हमें और भी लॉजिकल टेस्ट देने हैं इस वजह से, ठीक है। फिर इसी को सेलेक्ट करेंगे और फिर कहेंगे इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। और फिर क्या करेंगे? फिर यहां लगाएंगे 75, फिर कॉमा लगाएंगे और क्या करेंगे? इस बार कौन सा ग्रेड आए? ए प्लस आ जाए, ठीक है। पहले तो ए प्लस प्लस आया, अब ए प्लस हो गया, ठीक है। फिर कॉमा लगाइए, फिर यहां इफ लगाइए, ठीक है। फिर ब्रैकेट को ओपन कीजिए और फिर इसी को सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। फिर यहां इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, 65। फिर कॉमा लगाइए और फिर डबल डॉट कॉमा में इस बार कौन सा ग्रेड आएगा? इस बार ग्रेड आ गया, मान लीजिए बी ग्रेड, ठीक है, बी ग्रेड कर दिया हमने। फिर कॉमा लगाएंगे, फिर इफ लगाएंगे, फिर यहां क्या करेंगे? इसी को सेलेक्ट करेंगे और फिर इज ग्रेटर देन इक्वल टू, 65 तक आ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो अब हम कहां जाएंगे? 55, ठीक है। तो ऐसे में कौन सा ग्रेड आएगा? सी ग्रेड आएगा, ठीक है। फिर यहां पर इफ लगाएंगे, ठीक है। इफ लगाने के बाद फिर इसी को सेलेक्ट करेंगे, इज ग्रेटर देन इक्वल टू, और फिर क्या करेंगे? फिर वही काम कि हमें यहां पे 50 देना है, ठीक है। लेकिन 50 से कम वाले फेल रहेंगे, ठीक है, कम से कम एटलीस्ट 50 तो पाना चाहिए, तो 50 से कम वाले फेल रहेंगे। तो यहां पर डबल डॉट कॉमा में क्या करता हूं, एक यहां पे ये दे देता हूं मैं डी ग्रेड, ठीक है। और इफ में दो कंडीशन होती है, हर बार हम कितनी कंडीशन देते चल रहे हैं? एक ही कंडीशन दिया यहां पे ए ग्रेड, खत्म। फिर यहां पर एक ही कंडीशन दिया ए प्लस ग्रेड, फिर यहां पर एक ही कंडीशन दिया कौन सा ग्रेड? बी ग्रेड। फिर यहां पे एक ही कंडीशन दिया सी ग्रेड। फिर यहां पे अब लास्ट वाला है, तो लास्ट में दो कंडीशन रहेंगे, तो इन सब में से कोई भी कंडीशन टैली ना करे तो बच्चा क्या हो जाए? फेल हो जाए, एफ ए आई एल ई डी।
अगर 50% से कम होगा तो वो फेल हो जाएगा। तो यहां पर कितने ब्रैकेट, कितने इफ हमने ओपन किए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 इफ को क्लोज करना होगा, तो 3 हो गया, 4 हो गया और ये 5 हो गया, एंटर करिए तो यहां डी ग्रेड आ गया, आ गया ना। यहां पे आइए, डबल क्लिक कीजिए, देखिए यहां पर सबका ग्रेड आ गया। अब यहां पर पास दिन सब, कितने सब्जेक्ट में ये पास है जरा देखिए, तो कितने सब्जेक्ट में पास है, 33 से ज्यादा कितने सब्जेक्ट में है, ये पहला सब्जेक्ट, ये दूसरे में तो ये कम है, तीसरे में भी कम है। देखिए मैं इसे रेड कलर से एक हाईलाइट कर देता हूं, यहां से जाकर के इसे रेड कलर कर देता हूं, क्योंकि फेल है सब, जिस सब्जेक्ट में फेल है उनको मैं रेड कलर से कर देता हूं, ठीक है ना। देखिए ये रेड कलर में कर दिया, इसमें पास है, इसमें पास है, कितने सब्जेक्ट में पास है, 3। तो हमको यही कैलकुलेट करना है कि कितने सब्जेक्ट में पास है। तो यहां पर एक काउंट इफ का फंक्शन आता है, काउंट इफ फंक्शन, तो उसी को लगाएंगे, काउंट इफ लगाना है, क्या लगाना है, काउंट इफ। अब ये रेंज सेलेक्ट करनी है, यहां से जाएंगे और ये रेंज सेलेक्ट करेंगे, कर लिया, फिर कॉमा देंगे, कॉमा देने के बाद क्राइटेरिया निर्धारित करनी है, तो क्राइटेरिया डबल डॉट कॉमा में लिखेंगे, ग्रेटर देन 33, तो ये 3 सब्जेक्ट में पास है, ठीक है, आ गया। अब इसी का उल्टा यहां पे करना है आपको, इफ इज इक्वल टू काउंट इफ, सी ओ यू एन टी आई एफ, काउंट इफ हो गया। और यहां पे क्या करेंगे, अब देखिए इधर आ गए हैं, तो यहां से स्क्रॉल कर लीजिए, ये जो है ना, यहां से स्क्रॉल करके आगे पीछे हो सकते हैं हम, तो इधर आ जाते हैं, एक मिनट, ये आ गए, यहीं से हमको सेलेक्ट करना है, तो यहां से लेकर के और कहां तक जाना है, यहां तक, ठीक है। और क्या कहेंगे, इज लेस देन, इस बार क्या करेंगे, लेस देन कर देंगे, पिछली बार क्या था, ग्रेटर देन, इज लेस देन, डबल डॉट कॉमा में रहेगा लेस देन, ठीक है। इज लेस देन कितना करेंगे, 33, 33 से लेस कितने हैं वो आप हमें नंबर बताइए, ठीक है। तो यहां पे 33 से लेस वाला नंबर आएगा, ठीक है ना, तो यहां से इसको हटाइए, इज लेस देन 33, यहां पे कॉमा नहीं दिया गया है जिसकी वजह से ये दिक्कत कर रहा है, अब हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया, आ गया। तो दो सब्जेक्ट में क्या है, 33 से कम है, तो सब कुछ आ चुका है। अब एक ही बार में इसको सेटअप करना है बेटा, तो क्या करेंगे, कंट्रोल ए से सेलेक्ट करेंगे, बीच में इसमें कहीं पर भी क्लिक रखिए, और कंट्रोल ए करिएगा तो खाली इतने सेलेक्ट होगा जितना आपका डेटा है, एक शॉर्टकट की होती है, फिर वापस आते हैं, कंट्रोल ए करते हैं और अल्ट एच, ठीक है। अब एक्सेल में क्या होता है, अल्ट एच ओ आई काम करता है, यहां पर अल्ट एच ओ आई काम नहीं करेगा, तो क्या काम करेगा, अल्ट एच आर सी करिए, क्या करना है, अल्ट एच आर सी, यहां पे क्या लिखा है, आर सी, तो आर सी दबाइए, और ऑटो कॉलम विथ, ये देखिए क्या लिखा हुआ है, कॉलम विथ, ऑटो फिट कॉलम विथ, तो इसके लिए आई दबाना है अब आपको, खाली क्या करना है, आई, तो देखिए सब अपने आप सेटअप हो गया कि नहीं, अपने आप बराबर हो गया सब, एकदम तरीके सही तरीके से एकदम व्यवस्थित हो गया कि नहीं, हो गया ना। अब क्या करना है, अब हमको बॉर्डर लगाना है, तो बॉर्डर लगाने के लिए अल्ट एच प्रेस कीजिए। अच्छा अब देखिए बॉर्डर लगाने के लिए क्या करना है, यहां देखिए एच क्या है, बॉर्डर के लिए क्या है, क्यू है, तो क्यू प्रेस कीजिए, और क्यू प्रेस करने के बाद ऑल बॉर्डर के लिए ए प्रेस कीजिए, तो अल्ट, ठीक है, देखा आपने किस तरीके से ये हुआ। अब यहां पर देखिए क्या करना है, यहां पर आपको अब सारी चीजें हो गई, सारा सारा यहां पर दिख रहा है आपको, ठीक है। एक फॉर्मूला और बता देता हूं, एक्स्ट्रा में है, देखिए जैसे मान लीजिए राम में कितने कैरेक्टर्स हैं, गिनिए, 3 है ना, तो यहां पे एक लेन नाम का फॉर्मूला होता है, ठीक है, सॉरी यहां पे नहीं लगाएंगे, ये है ना, इज इक्वल टू एल ई एन, लेन, ठीक है। अब लेन क्या करता है, लेंथ बताता है, देखिए इसमें कितने कैरेक्टर हैं, एंटर करिए, 3 आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर बात करें यही कि हम बी टू को नहीं देखना, अच्छा ये कहां है, राम कहां पे लिखा हुआ है, बी टू में, ठीक है। लेकिन अगर हम आंचल को देखना चाहें, आंचल में कितने कैरेक्टर हैं, तो यहां पर देखिए 6 कैरेक्टर है, काउंट कीजिए, 6 हैं, तो ये लेन जो है हमें यही बताता है, क्लियर, समझ में आ गया सारा, इसको करके देखिए।